हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। झील किनारे मिले 50 झाल ट्यूब और अन्य संसाधन की मत्स्य खेत के लिए झाड़ियों व अन्य जगह छिपा कर रखे थे। जैसे ही ग्रुप कार्यकर्ताओं एवं जनप्रतिनिधियों ने ली तलाशी, ऐतिहासिक राजसमंद झील में मत्स्य खेत पर सख्त प्रतिबंध के बावजूद कतिपय लोग अपने कारस्थानी से बाज नहीं आ रहे हैं तथा इसे देखते हुए अब स्थानीय जागरूक कार्यकर्ताओं व जनप्रतिनिधियों ने इस पर प्रभावी रोकथाम करने के लिए स्वयं निगरानी शुरू कर दी है। इसी क्रम में जेसी ग्रुप के कार्यकर्ताओं के साथ कई जनप्रतिनिधि झील पर पहुंचे एवं मत्स्यखेट के लिए छिपा कर रखे जाल सहित अन्य साजो सामान जब्त कर जला दिए। झील में चोरी छिपे एवं रात्रि में अंधेरे का फायदा उठाते हुए मत्स्यखेत होने की सूचना मिलने पर पार्षद हेमंत रज्जक, प्रमोद रेगर, हेमंत गुर्जर, अनिल कुमावत के साथ जेसी ग्रुप के कार्यकर्ता हीरालाल माली, राकेश प्रजापत, देवाशीष बागोरा, अर्पित जैन, कुलदीप बावरा, युवराज गुर्जर, शंकर खटीक आदि गुरुवार देर शाम सलूस रोड की तरफ से झील पर पहुंचे। उन्होंने जूना अखाड़ा एवं आसपास के क्षेत्र में मत्स्यखेट की आशंका के आधार पर झील के जल एवं किनारों पर तलाशी शुरू की तो सभी चौंक गए। वहां देखा तो झाड़ियों व इर्द गिर्द छिपा कर रखे 50 से अधिक बड़े आकार के जाल के साथ ही कई ट्यूब, चाकू सहित मछली पकड़ने में उपयोग लिए जाने वाले छोटे बड़े अन्य संसाधन पड़े हुए। वही नहीं, झील के जल में भी मछलियों को फंसाने के लिए 4-5 जाल बिछाए हुए पाए गए। इस पर कार्यकर्ताओं ने जाल सहित अन्य तमाम संसाधन एक जगह एकत्रित कर आग के हवाले कर दिया ताकि फिर कभी इनका उपयोग नहीं हो सके। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद सभापति अशोक ताक को पूरे घटनाक्रम की सूचना दी, जिस पर वे भी मौके पर पहुंचे एवं स्थिति देखी। वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने सभापति से कहा कि इस बारे में प्रशासन व पुलिस से प्रभावी कार्रवाई कराई जाए ताकि ऐतिहासिक एवं धार्मिक आस्था से जुड़ी झील में मत्स्यखेट पर रुक सके। इस पर सभापति ने शीघ्र ठोस कार्रवाई कराने का भरोसा दिलाया। पार्षद हेमंत रजक ने बताया कि 3 दिन पहले भी कार्यकर्ता झील के जोंग की मंडी क्षेत्र में पहुंचे थे, जहां किनारे पर मत्स्यखेट के लिए छिपाए जाल व अन्य संसाधन बरामद किए थे। उन्होंने कहा कि व्यापक क्षेत्रफल में फैले झील के कई हिस्सों में लगातार मत्स्यखेट चल रहा है, जिस पर पूरी तरह रोक लगाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कतिपय लोग अपने व्यवसाय के लिए अवैध कार्य को चोरी छुपे अंजाम दे रहे हैं तथा कई बार पुलिस कार्रवाई होने के बावजूद कुछ दिन बाद वे पुनः अपनी सक्रिय हो जाते हैं। जागरूक टीवी की राजसमंद से खास रिपोर्ट।